अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को एक न्यू रेसिपी सिखाऊंगी। आज मैं आप लोगों को प्रेशर कुकर में साग बनाना सिखाऊंगी, जो कि झटपट से तैयार हो जाएगा और सारा दिन आप लोगों को मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो एक प्रेशर कुकर ले लिया, इसमें मैंने 1.5 लीटर तक पानी दे दिया। दूसरी तरफ मैंने साग दे दिया, इसमें तकरीबन 1 किलो तक मैंने पालक भी मिक्स कर ली है। और इसकी कटिंग आप लोगों ने ऐसे कर देनी है जैसे कि मैंने इसकी कटिंग की है। आप लोगों ने इसकी कटिंग ऐसे कर देनी है। इसके बाद इसको आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह से वॉश करना है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा डस्ट होती है। इस वजह से इसके अलावा कुछ हरी मिर्चें भी मैंने दे दी। पानी में बॉईल आना शुरू हो चुका है, आप लोग देख रहे होंगे। अब हम इसमें डाल देंगे साग को, जिसको 3 से 4 दफ़ा मैंने बहुत अच्छी तरह से वॉश कर दिया था। तमाम साग को आप लोगों ने इसमें डाल देना है, जैसे कि मैं इसमें डाल रही हूँ। तो तमाम को मैंने इसमें डाल दिया। एक दफ़ा आप लोगों ने चम्मच की मदद से इसको ऐसे कर देना है, ठीक है। बहुत ही आसानी से झटपट से तैयार होने वाली हमारी ये रेसिपी है। अब हम इसमें डाल देंगे हसबे जायका नमक, लाल मिर्चों का पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और थोड़ी सी आप लोगों ने छोटी वाली जो गोल लाल मिर्चें होती हैं, जिसको तड़का मिर्च भी कहते हैं, वो आप लोगों ने 5 से 7 इसमें ऐड कर देनी है, ठीक है। ये तमाम चीज़ें ऐड करने के बाद इसमें आप लोगों ने डाल देने हैं हरी मिर्चों को, जो कि मैंने आप लोगों को दिखाया है। इसको भी अच्छी तरह से वॉश करके आप लोगों ने डाल देने और अच्छी तरह से चम्मच को इसमें चला लें, ठीक है। चम्मच को अच्छे तरीके से आप लोगों ने चलाना है, ज़बरदस्त अमेजिंग तरीके से ऐसे, ठीक है। इसके अलावा अब हम इसमें डाल देंगे लहसुन, ठीक है। 4 से 5 जवे आप लोगों ने लहसुन के ऐड कर देने हैं, अच्छी तरह से वॉश करके छील के फिर आप लोगों ने इसको इसमें ऐड कर देने हैं। आप लोग देख रहे होंगे कि साग हमारे पकना शुरू हो चुका है अमेजिंग तरीके से। अब ये उबल कर ऊपर ना आए, तो इसके लिए मैं आप लोगों को एक तरीका बताती हूँ। आप लोगों ने ब्रश की मदद से इसके किनारों पर थोड़ा थोड़ा ऑयल लगा लेना है, ठीक है, ऐसे, वरना प्रेशर कुकर जो है फटने का ख़तरा होता है। अगर आप लोग ऑयल लगा लेंगे तो बिल्कुल आसानी से ये पकता रहेगा और आप लोगों को कोई टेंशन भी नहीं होगी, क्योंकि ये उबल कर बाहर नहीं आएगा, ये फ़ायदा है इसका। तो छोटे छोटे टिप्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, आप लोग इसको आजमा कर देखें, इंशाल्लाह आप लोगों को फ़ायदा होगा, ठीक है। तो ये देखें, आप लोग देख रहे होंगे कि किनारों से मैंने ऑयल को लगा लिया। अब हम प्रेशर को सेट कर लेंगे। तकरीबन 15 मिनट प्रेशर लगाते हैं। 15 मिनट मैंने प्रेशर को सेट कर दिया था और आप लोग देख रहे होंगे माशाल्लाह से साग की कंडीशन क्या हो चुकी है और इसका कलर भी आप लोग देख रहे होंगे, ठीक है। अब हम जो है इसको थोड़ा सा आप लोगों ने इसको घोट देना है, घोटे की मदद से घोट देना है, थोड़ा सा सिर्फ आप लोगों ने घोटना है। उसके बाद फिर हम लोग, इतनी मेहनत आप लोगों को करने की ज़रूरत नहीं होगी, तकरीबन 5 मिनट सिर्फ आप लोगों ने इसको घोटना है हल्का हल्का। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे। वैसे इसमें भी आप लोगों को थोड़े थोड़े स्टेप मैं आप लोगों को बताती जाऊंगी कि आप लोगों ने क्या क्या करना है, ठीक है। तकरीबन 2 मिनट मैंने इसको घोटा है। अब हम इसमें आटा डाल देंगे, जिसको पानी में घोल कर आप लोगों ने ऐसे डाल देने हैं, ठीक है। ये आप लोगों ने ऐड कर देने हैं, ये मस्ट आप लोगों ने डालना होता है, इससे बहुत ही ज़बरदस्त अमेजिंग हमारा ये साग तैयार होगा, ठीक है। 2 मिनट में मज़ीद इसको घोटती हूँ, उसके बाद फिर मैं आप लोगों को एक और चीज़ बताऊँगी जो कि आप लोगों ने इसमें डालनी है। इसके बाद आप लोगों ने इसमें डाल देनी है कसूरी मेथी, ठीक है। कसूरी मेथी आप लोगों को डालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे एक तो बहुत ज़्यादा खुशबूदार हमारा साग तैयार होगा। साग में आप लोगों को जो जो चीज़ें डालनी है वो मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताती जा रही हूँ, पूरी तरह से आप लोगों ने सुनते जाना है और वही वही चीज़ें डालनी है। आप लोग देख रहे होंगे कसूरी मेथी को मैंने भिगो कर रख दिया था, अब ये हम इसमें डाल देंगे, ठीक है। तकरीबन आप लोगों ने इसमें 2 से 3 चम्मच कसूरी मेथी के ऐड कर देने हैं ऐसे, ठीक है। और अच्छी तरह से आप लोगों ने इसको घोट देना है। मुझे घोटते हुए तकरीबन सिर्फ
5 मिनट हुए हैं, अब मैं इसको रख दूंगी, उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो 5 मिनट मैंने इसको घोटा था, अब मैंने इसको थोड़ा सा ठंडा कर दिया। अब आप लोगों ने कोई भी जूसर जग दे देनी है और इसमें इसको आप लोगों ने ऐसे पीस देने हैं, ठीक है। ये देखिए माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त अमेजिंग तरीके से मैंने इसको पीस दिया, फ्लेम को ऑन कर दिया और 2 मिनट मज़ीद इसको पकाते हैं और इसका तड़का तैयार करेंगे, ठीक है। दूसरी तरफ मैं इसका तड़का तैयार कर देती हूँ। एक पैन में मैंने ऑयल दे दिया, इसमें डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, ठीक है। अदरक लहसुन का आप लोगों ने पेस्ट दे देना है और खुशबू आने तक मैं इसको पकाऊंगी, उसके बाद मैं आप लोगों को नेक्स्ट स्टेप की तरफ लेके चलूंगी। माशाल्लाह अदरक लहसुन की खुशबू आने लग गई है, अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे और साग के ऊपर आप लोगों ने इसको डाल देना है ऐसे। देखिए माशाल्लाह कितनी अमेजिंग लुक है। 5 मिनट मैंने इसको कवर करके रखा था और माशाल्लाह से हमारा जो तड़का है वो लग चुका है बहुत ही अमेजिंग तरीके से। हमारा साग जो है तैयार हो चुका है, आप लोग देख रहे होंगे। अब मैं मज़ीद आप लोगों को दूसरा स्टेप भी बताती हूँ कि आप इस साग को भी बहुत ज़बरदस्त कैसे बना सकते हैं। तो दूसरी तरफ मैंने कढ़ाई में ऑयल दे दिया, इसमें मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया, ठीक है। अदरक लहसुन की माशाल्लाह ज़बरदस्त सी खुशबू आने लग गई है बहुत ज़बरदस्त तरीके से। अब हम इसमें थोड़ी सी तड़का मिर्च डाल देंगे और ज़ीरा ऐड कर देंगे। ये 2 चीज़ें आप लोगों ने इसमें डाल देनी है, ज़ीरे की बहुत अच्छी खुशबू होती है तो इसलिए मैंने इसमें डाले हैं। अब हम इसमें वही साग ऐड कर देंगे जिसको मैंने साइड पे करके रखा था, वो आप लोगों ने इसमें डाल देना है और अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है, ठीक है। माशाल्लाह से मैंने इसकी मिक्सिंग कर दी। अब हम इसमें डाल देंगे लाल मिर्चों का पाउडर, इसके अलावा हसबे जायका नमक, धनिया पाउडर और थोड़ी सी आप लोगों ने इसमें काली मिर्ची ऐड कर देनी है, ठीक है। अच्छी तरह से अब आप लोगों ने इसको मिक्स करना है, मिक्सिंग ज़बरदस्त किया करें। माशाल्लाह से आप लोग देख रहे होंगे कि दूसरी तरफ कितना ज़बरदस्त तरीके से हमारा ये साग तैयार हो चुके हैं। अलग से हम लोग वैसे भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन अलग से जब तड़का लगाते हैं तो बहुत ही अमेजिंग लगता है। इसके बाद इसमें इमली का पानी आप लोगों ने डाल देना है, इससे इसके टेस्ट में इजाफा होगा और बहुत ही अमेजिंग आप लोगों की ये रेसिपी तैयार होगी, ठीक है। अच्छी तरह से मैंने चम्मच को चला दिया और आप लोग इसकी लुक देख रहे होंगे। अब हम इसकी खूबसूरती में इजाफे के लिए हरा धनिया डाल देंगे, ठीक है, इससे इसकी खूबसूरती में इजाफा होगा बहुत ही अमेजिंग तरीके से। आप लोगों ने चम्मच को चला लेना है और 2 मिनट मज़ीद इसको पकाते हैं। 2 मिनट मैंने इसको मज़ीद पकाया है, आप लोग देख रहे हैं ऑयल सेपरेट होने लग गया और जो इसमें पानी था वो भी खुश्क हो चुका है, ठीक है। अब हम इसको निकाल लेंगे और फिर चलेंगे इसकी फाइनल लुक की तरफ। तो मैं फ्लेम को बंद कर दूंगी और इसको निकाल लेती हूँ, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप। माशाल्लाह से फाइनल लुक आ चुकी है, साग हमारा एक नए अंदाज में तैयार हो चुका है। आप लोग देख रहे होंगे कितने अमेजिंग तरीके से ये तैयार हुआ है। आप लोगों ने एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देना है। रेसिपी पसंद आए लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।